दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार की आ चुकी फिल्म खेल खेल में के तीसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड रखूंगी, उससे पहले मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि दोस्तों, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अक्षय कुमार की ये फिल्म कम से कम 50 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार कर लेगी रेंगते रेंगते? आप लोग को ऐसा लगता है क्या? चलिए, मैं इस रिपोर्ट के माध्यम से ये बात आपको बताने की कोशिश करता हूं कि भैया ऐसी बात मैंने खेल खेल में लेकर क्यों कही मेरे भाई। दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि जब खेल खेल में सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी तो भैया उस वक्त इस फिल्म को लेकर खबरों का बाजार गर्म करने की कोशिश की गई थी कि भाई ये फिल्म बहुत ही आसानी से बॉक्स ऑफिस पर आकर शानदार प्रदर्शन करते हुए सेंचुरी लगा लेगी कमाई के मामले में। लेकिन भैया इस फिल्म ने 3 दिनों में जिस तरह का कलेक्शन किया है उसको देखने के बाद भैया दिमाग में बस यही सवाल उठ रहा है कि भैया ये फिल्म जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर रेंग रही है भैया 50 करोड़ कमाने के लिए, तो क्या इस फिल्म की जो गति है बॉक्स ऑफिस पर, उस गति से क्या ये 50 करोड़ का आंकड़ा ये फिल्म पार कर लेगी? अब दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी तो इस फिल्म को पहले दिन कितने का कलेक्शन मिला था भाई? वो आंकड़ा था 5 करोड़ 23 लाख रुपए का। भाई हॉलीडे वाला टाइम था भाई, 15 अगस्त का टाइम, और 15 अगस्त के दिन इस फिल्म को इस तरह का कलेक्शन था। उसके बाद भी इस फिल्म को फ्राइडे को कितने का कलेक्शन मिला भाई? वो आंकड़ा था 2 करोड़ 42 लाख रुपए का। और उसके बाद भैया सैटरडे को यानी कि कल इस फिल्म को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 3 करोड़ 40 लाख रुपए का। और भाई इन 3 दिनों में इस फिल्म को जो अब तक बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 11 करोड़ 5 लाख रुपए का। और भाई इस फिल्म को जिस तरह का कलेक्शन मिला है ना इन 3 दिनों में, उसको देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आज की छुट्टी और कल की छुट्टी का फायदा भी शायद इस फिल्म को मिले या ना मिले, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन इस फिल्म का इतना बुरा हाल होगा, इतनी लंबी भाई छुट्टियों वाले मौसम में मैंने कभी कल्पना नहीं की थी भाई, इस बात की कल्पना मैंने कभी नहीं की थी कि इतनी सारी छुट्टियां मिलने के बावजूद भी अक्षय कुमार अपनी फिल्म के लिए ऑडियंस नहीं जुटा पाएंगे सिनेमा घरों में। बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है भाई खिलाड़ी कुमार का, बहुत ही बुरा वक्त, इससे बुरा वक्त शायद ही अक्षय कुमार ने कभी देखा हो। और मुझे ऐसा लगता है कि भैया इन दिनों अक्षय कुमार भी आत्ममंथन के दौर से गुजर रहे होंगे कि भाई मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे उनका फिल्मी कैरियर जो है वो एक बार फिर से रिवाइव हो सके। हाल फिलहाल में आप लोगों को याद ही होगा कि उन्होंने भाई हाजी अली में जाकर, हाजी अली के दरगाह पर जाकर चादर भी चढ़ाया था, और भाई वहां पर लोग कह रहे थे कि भैया 2-2.5 करोड़ का डोनेशन भी उन्होंने दिया था। तो शायद उनको ऐसा लगा था कि उनके इस कदम से जो एक वर्ग जो है जो उनसे विमुख हो चुका है, उनकी फिल्मों से दूर हो चुका है, वो उनसे फिर से रिकनेक्ट कर ले। क्योंकि भैया जब से उन्होंने आम और गुठली वाली जो वो इंटरव्यू की थी नरेंद्र मोदी वाली, भैया उस इंटरव्यू के बाद से एक समुदाय जो है, एक वर्ग जो है, वो बुरी तरह से खिंच गया अक्षय कुमार से इस बात को लेकर कि भाई ये भी उसी साइड का है, हमारी साइड का नहीं है। और उसके बाद से भैया इस समुदाय ने जब से इस कलाकार का दामन छोड़ा है ना, उसके बाद से अक्षय कुमार के लिए बॉक्स ऑफिस पर अच्छे दिन वापस नहीं आए हैं मेरे भाई। तभी तो भैया वो गए थे हाजी अली के दरगाह पर चद्दर चढ़ाने के लिए, लेकिन भैया चद्दर चढ़ाने का भी उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला। यानी कि बाबू उनकी हालत ऐसी हो गई है कि धोबी का न घर का न घाट का, भाई एक ही साइड रहना चाहिए था अक्षय कुमार को। लेकिन चलिए, उनको भी अपना बिजनेस करना है तो वो भी अपना स्ट्रेटजी मेकिंग कर रहे होंगे, लेकिन इस तरह से वो कुछ नहीं कर पाएंगे मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूं कि अगर वो एक अच्छी फिल्म सिनेमाघरों में लेकर आएंगे तो ऑडियंस उस अच्छी फिल्म को सिनेमाघरों में देखने जाएगी, जैसा कि ओ माय गॉड का, जैसा कि ओ माय गॉड के पार्ट 2 के साथ हुआ था। भाई वो फिल्म क्लैश की थी ना गदर के पार्ट 2 से, और भैया उस फिल्म से क्लैश करने के बाद भी ओ माय गॉड के पार्ट 2 ने भाई बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। तो आप समझ लीजिए कि उस फिल्म में कितना पोटेंशियल था। तो भाई अक्षय कुमार को भी अब कॉन्सेप्ट्स को सोचकर अपने हाथ में लेना चाहिए, ना कि बस यूं ही अपने को क्या करना है पानी निकालना। ये जो थॉट था ना अक्षय कुमार का, उसे अब बदल देना चाहिए, बदलना चाहिए ना। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वॉरेन जंक्शन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।